आजकल लिबरल लोग जो है ना, जो लिबरल लोग हैं वो मजहब को बार बार कि ये मौलवी हैं जो तरक्की में क्या कर रहे हैं, रुकावट। ये मौलवियों को, इन्होंने लोगों को ये बता दिया कि पजामा पहले सीधा वाला फिर उल्टा वाला है, मिसवाक ऐसे करनी है, शलवार टखने से ऊपर रखनी है, और सुरमा इतने, मिसवाक का साइज कितना होगा इतना होगा, एक बालिश उंगल से ज़्यादा मोटी हो गई तो दायरे इस्लाम से खारिज। कल मेरे पास एक साहब आए, मिसवाक कितनी मोटी हो, मैंने कहा जितने खुद मोटे हो आप। हर चीज़ अपने हिसाब से रखी जाती है ना भाई, कोई पूछे शलवार कितनी चौड़ी हो तो भाई जितने चौड़े आप हो उस हिसाब से आप शलवार रखो। तो ये पजामा सीधे हाथ में पहनने से तरक्की का कोई ताल्लुक, यानी अगर आप पहले ये वाला पैंचा डाल लोगे या पैंट का या शलवार का, तो क्या नंबर कम आएंगे इम्तिहान में? खाम खा की फजूल बातें। तो जब उलमा की हुकूमत थी, इस्लाम की हुकूमत थी, तो साइंस टेक्नोलॉजी किसके हाथ में थी? हमारे हाथ में थी। इसलिए हम हुकूमत से कहते हैं आज अपनी यूनिवर्सिटियों को मदारिस के हवाले करो, मज़ा ना आए पैसे वापस, देखो इंशाल्लाह हम कैसा अच्छा रिजल्ट देते हैं आपको। कल व्हाट्सएप पे किसी ने तस्वीर भेजी, विफाकुल मदारिस का भी इम्तिहान हो रहा है और मैट्रिक का भी। मैट्रिक का जो एग विफाकुल मदारिस के जो बच्चे हैं ना, मस्जिद में तमीज़ से नीचे बैठे हुए पर्चा हल करने में मसरूफ़, कोई नकल नहीं हो रही, कोई भर्रेबाजी नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। और मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन हॉल था उसमें दिखाए कोई लोग चढ़े हुए हैं की तरह ना बंदरों की तरह खिड़कियों पे लोग चढ़े हुए फर्रे देने के लिए, वहां से झांक झांक के फर्रे पार्सल कर रहे हैं। ये तरक्की होगी ऐसे? तो मदारिस के हवाले कर दो इंशाल्लाह, जामे तो रशीद के हवाले करो, देखो